नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 6 नवंबर 2023 को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं, शाम को 4:25 पर। वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों का जो स्वामी है, आधिपत्य ग्रह है, वो है बुध। और बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर पड़ेगा, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। इस वीडियो में आपको बुध के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे बचने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या करें वह भी बताएंगे। साथियों, मिथुन राशि बुध की राशि है और मिथुन राशि के जातक बहुत विद्वान, समझदार, ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं। मिथुन राशि के जातक लिटरेट पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पढ़े लिखे, परिश्रमी, मेहनती भी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कमियां तो सभी में होती हैं। मिथुन राशि के जातक जो नवंबर माह में अपनी कमी को दूर कर दें वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे आप में अच्छाइयां बहुत हैं, वैसे बुराइयां भी बहुत हैं, इसलिए नवंबर माह में आप क्या गलती ना करें जिससे आप लाभ उठाएं, और नवंबर का माह आपके लिए ये दिवाली शुभ रहे। सबसे पहली चीज ये है, आप जो भी कार्य करते हैं बहुत जल्दी में करते हैं, आपके अंदर एकदम किसी कार्य को करने के लिए उतावलापन बहुत रहता है, और प्रत्येक कार्य को खुद करने से पहले मन में 100 बार सोचते हैं कि किसी को बताएंगे नहीं ये बात, लेकिन आपके पेट में कोई चीज हजम नहीं होती। आप जिसको बोलते हैं सारी बातें अपने मन की बोल जाते हैं, किसी बात को आपको बोलना है, छुपाना है, उसको आप बोलेंगे और फिर सामने वाले को बोलेंगे, किसी को बोलना नहीं, कि ये बात किसी को बोलना नहीं, तुम अपने हो इसलिए तुमको मैंने अपना बता दिया। और यही कारण है कि आप जीवन में कई बार परेशानियों में फंसते हैं, धोखा खाते हैं और फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते। तो मिथुन राशि के जातक नवंबर माह में इस कमी को उपयोग में ना लाएं। दूसरा, उतावलापन बहुत है तो धैर्य बनाकर काम करें तो ही लाभ आपको प्राप्त होगा नवंबर माह में। मिथुन राशि के जातक लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा कार्य जो कागज कलम दवात से जुड़ा हुआ है, निश्चित मानकर चले सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रु जो है वो आपको परेशान तो बहुत करेगा, लेकिन आपका उखाड़ कुछ नहीं पाएगा, ये बात को आप नोट कर लो। और लाभ के आपके नवंबर माह में बहुत जबरदस्त योग बनेंगे, भले ही बुध ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया हो, लेकिन फिर भी चूंकि गोचर जो की स्थितियां जो है वो महत्वपूर्ण होती हैं, और मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में छठवें भाव पे गोचर है बुध का। अब छठवें भाव में गोचर है, इसलिए रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों से आपकी रक्षा होगी। तो वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है, लाभकारी है, कल्याणकारी है, लेकिन उतावलापन बिल्कुल नहीं करना है, धैर्य बना के रखना है, और अपने मन की कुछ बातें अपने पास तक ही सीमित रखें, इसी में आपकी भलाई है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।